बैंक मित्र सेवा संघ का पहला अधिवेशन रविवार को हुआ। इस दौरान बैंक मित्रों की समस्याओं पर चर्चा की गई, कई अहम निर्णय भी लिए गए। बैंक मित्रों के अधिवेशन की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री उपेंद्र कुमार ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय कुमार सिन्हा थे। विशिष्ट अतिथि विनोद कुमार सिंह, सुनील कुमार चंद्रभूषण प्रसाद वर्मा और वी युष्पेंद्र होकर थे। इस मौके पर उपेंद्र कुमार ने बैंक मित्र संघ के उद्देश्यों की चर्चा की। उन्होंने बैंक मित्रों की समस्याएं भी सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि बैंक मित्र बैंक में ठेके पर कार्य कर रहे हैं, इस कारण उन्हें न तो पीएफ मिलता है, न पेंशन और न ही किसी प्रकार का बीमा। मुख्य अतिथि संजय कुमार सिन्हा ने कहा, भारतीय मजदूर संघ हमेशा राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर काम करता है। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दंतोपंत ठेंगड़ी के जीवन के बारे में चर्चा की। ये जो भी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट जो गांव देहात में या ऐसे जगह पर जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत बैंक मित्रों की व्यवस्था की गई है, जो अपने घर पर अपने खर्चे से बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं। अपनी जो भी विभिन्न बैंकें कार्य करती है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, इससे जुड़े हुए सारे लोग जो हैं वो अपने घर में बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण बस्ती के लोगों को देते हैं। आप समझिए कि पिछड़े तबके के लोग जो ग्रामीण स्तर पर हैं और इनके जो कमीशन है वो भी बहुत कम है, इनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो बहुत कम है, इनको कैश को ले जाने लाने के लिए कोई भी इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है। ये जब परिवार से निकलते हैं कैश लेकर के, तो इनके परिवार को काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई रहती है। हम लोग प्रत्येक महीने कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होते हुए देखते हैं, और इसी सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम अपने बैंक से जुड़े हुए जो भी हमारे देश के अंतर्गत जितनी भी बैंकें कार्य कर रही हैं, उसके अंतर्गत जो ये बैंक मित्र कार्य कर रहे हैं, उन सबों को लेकर के हमने ये संगठन राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने की कोशिश की है। आज भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हमारे बैंक मित्रों का जो ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हो रही है, वो निश्चित रूप से अपने सारे समस्याओं के साथ साथ जो उनके आने वाले दिनों में उनको सेवा शर्त की आवश्यकता है, जिसकी गारंटी भारतीय मजदूर संघ ले रही है, उस पर हम लोग जो है आज जो भी आवश्यक चर्चाएँ हैं आगे करेंगे आने वाले सत्रों में। और भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट संदेश है कि जो भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो हैं या हमारे जो आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे कर्मचारी हैं, जहां कहीं भी वो किसी प्रतिष्ठान को अपनी सेवा दे रहे हैं, तो भारत सरकार को उनकी सेवा शर्त भी तय करनी होगी। ऐसा एक उद्देश्य को लेकर आने वाले दिसंबर माह में बिहार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की कार्य समिति में यह एक प्रमुख विषय रहेगा, और इन बैंक मित्रों के लिए एक समग्र आंदोलन की तैयारी में भारतीय मजदूर संघ काम करने जा रहा है।